नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को या फिर गूगल अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। सो इसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को जीमेल को एप्लीकेशन को ओपन करना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से आपके फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन होगा, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है प्रोफाइल आइकन, देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपको बहुत सारे जीमेल दिख जाएंगे, जितने भी आपके फ़ोन में जीमेल होंगे वो सब यहां पर दिख जाएंगे। उसके बाद आप जिस जीमेल को डिलीट करना चाहते हैं या फिर गूगल अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इस सेलेक्ट कर लेते हैं इस जीमेल को। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, फिर से हमें इस पर प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो हमें यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो हमें ऊपर में ही एक ऑप्शन दिखते हैं डाटा एंड प्राइवेसी का, देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें एकदम नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आना है। देख सकते हैं हमें सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है डिलीट योर गूगल अकाउंट, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है डिलीट योर गूगल अकाउंट पर। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, तो जो भी इसका ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड डालना होगा, तो जो भी आपका जीमेल का पासवर्ड है वो आप यहाँ से डाल लीजिए। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उसके बाद ये इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी जीमेल से कनेक्ट होंगे जैसे कि प्ले स्टोर और गेम्स वगैरह जितना भी आपने लॉगिन किया होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, तो ये बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो हमें यहाँ पर दोनों पे बॉक्स पे टिक कर देना है और उसके बाद डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर डिलीट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा अकाउंट वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं योर गूगल अकाउंट डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, यानी कि हमारा जो पूरा ऑल डाटा था जीमेल का वो सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर हम रिकवरी करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर रिकवर पे क्लिक करके और रिकवर भी कर सकते हैं अभी के अभी, नहीं तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं।